गाइज, यदि आपके मोबाइल पर सेटेस डिफॉल्ट की प्रॉब्लम आ रही तो बने रहिए इस वीडियो पर लास्ट तक। गाइज, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। गाइज, जैसे ही सेटेस डिफॉल्ट देखने को मिलेगा तो आपको सेटेस डिफॉल्ट पर प्रेस करना है। गाइज, हल्के से प्रेस करना है, इससे ये होगा कि जितने आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। अब जिस पर आप अपडेट करना चाहते हैं उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। गाइज, सिलेक्ट करने के बाद सेटेस डिफॉल्ट कर देना है। गैज, यहाँ पर ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। गैज, ये प्रॉब्लम्स कब होती है, जब आप कॉल करने पर दूसरे ऐप का यूज करते हैं, तभी इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को ज़्यादा मिलती है। गैज, तो काफ़ी कमाल की सेटिंग है, आप भी इसे कर लीजिए। यदि इस तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आपको यहाँ पर कोई ऐप डाउनलोड कर लेना है, या डाउनलोड कर लेना है या सर्च कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे हमने सर्च किया डायलर, यहाँ पर जैसे आप डायलर आप ओपन करते हैं कॉल करते समय कोई दूसरे ऐप का यूज करते हैं, तो इस तरीके से आपको जैसे डाउनलोड कर रखा तो आपको ओके कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर जहाँ भी आप सेट कर सकते हैं सेट कर लोगे तो आपको सेटेस्ट डिफॉल्ट बताने लगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉल फ़ोन पर मैंने सिलेक्ट किए, यहाँ पर देख सकते हैं कॉल फ़ोन पर मैंने सिलेक्ट किए। अब यहाँ पर मेरा फ़ोन जो गूगल डायलर है यानी फ़ोन का डायलर है तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं सेट इज डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अब सेट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं अब ये प्रॉब्लम्स है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई जैसे कॉल करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बताएगा, देख सकते हैं अब सेट फोन एज डिफॉल्ट बता रहा है। तो इसी तरीके से सेट एज फोन डिफॉल्ट बताता रहता है। तो गाइज, आपको कोई ऐप हटाने की ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से आप सर्च करके इसमें उसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, उससे इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सेट एज डिफॉल्ट है, तो यहाँ पर आपको टिक मिलेगा। सिंपल सी बिल्कुल ट्रिक है, सिंपल सा फंडा है, टिक मिलेगा, टिक पर सेट करना है। अब यहाँ पर कोई भी ऐप जो यूज करना चाहते हैं डिफॉल्ट उसमें आप कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी चुटकियों में। काफ़ी कमाल की सेटिंग है, आपको डेफिनेटली ये सेटिंग पता होनी चाहिए। देख सकते हैं मेरे फ़ोन की डिफ़ॉल्ट इस प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इस तरीके से आप चुटकियों में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में नाइस टिक नाइस वीडियो जरूर लिखना।